पुलिस थाना भवानी मंडी में झालावाड़ एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई को एफआईआर लगाने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। भवानी शंकर मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ ने बताया कि परिवादी बसंती लाल गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी गुर्जरों का खेड़ा थाना भवानी मंडी की शिकायत पर रघुराज सिंह राजपूत उम्र 47 साल निवासी पटपड़िया थाना मंडावर जिला झालावाड़ हाल सहायक उप निरीक्षक को पुलिस थाना भवानी मंडी परिसर में रंगे हाथ पकड़ा है। उन्होंने बताया कि दाहिनी और गैस के निकट स्थित अनुसंधान कक्ष आरोपी रघुराज सिंह एएसआई द्वारा परिवादी बसंती लाल से उसके विरुद्ध थाना भवानी मंडी में दर्ज प्रकरण संख्या 369/2022 धारा 354 दिनांक 18/8/2022 के अनुसंधान अधिकारी रघुराज सिंह एएसआई द्वारा प्रकरण में एफआईआर देने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना व परिवादी बसंती लाल से पूर्व में 5,000 रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 10,000 रुपये नहीं देने पर परिवादी को परेशान करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 17/11/2022 को ब्यूरो कार्यालय में रिपोर्ट पेश की करने पर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 2,000 रुपये रिश्वत राशि और प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि की एवज में 5,000 रुपये लेकर आरोपी द्वारा आज थाना भवानी मंडी पर परिवादी को बुलाने की दशा में पुलिस थाना भवानी मंडी परिसर में दाहिनी और मेस के निकट स्थित अनुसंधान कक्ष में आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के 5,000 रुपये मांग कर प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की गर्म शर्ट की दाहिनी और जेब में रखी जहाँ से रिश्वत राशि के 5,000 रुपये तथा प्रकरण संख्या 369/2022 की मूल पत्रावली भी आरोपी के कब्जे से बरामद होना पाया गया है जिसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में भवानी शंकर मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा गोपाल लाल मुख्य आरक्षक मोहम्मद आफाक मुख्य आरक्षक देवदान सिंह कांस्टेबल पवन कुमार कांस्टेबल चंद्रेश गोयल कांस्टेबल तथा छोटू लाल वाहन चालक आदि सम्मिलित रहे। बीपीए न्यूज़ के लिए हमारे संवाददाता किशोर तंवर की विशेष रिपोर्ट। किस तरह की कार्रवाई आज भवानी मंडी थाने में आपके द्वारा की गई? ये हमारा कोई परिवादी है गुजरों का खेड़ा का, तो इनका कोई विवाद चल रहा है, दो पार्टी हैं उस गांव में जिसमें विवाद चल रहा है इनका, कनी भाई फूल भाई जो है उनके बीच में, कनी राम इनके बीच में, तो उसका कोटा में विवाद वो केस भी चल रहा है। तो जब ये 18 अगस्त 2022 को आईजी साहब के पास में और कमिश्नर डिवीजन कमिश्नर साहब के पास में कंप्लेंट करने गया था कि भाई इस तरह से मेरे को परेशान किया जा रहा है वो जो परिवारी है हमारा, तो पीछे से इनको पता लगा तो उसकी बच्ची जो है उसकी तरफ से इन्होंने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो उस मुकदमे की अनुसंधान पहले तो ओमनेट सिंह कर रहा था, फिर उनका ट्रांसफर होने के बाद में ये रघुराज सिंह के पास आ गई वो, तो उस मुकदमे में झूठा मुकदमा था, उस मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में 5,000 रुपये तो इन्होंने पहले ले लिए। फिर इसने हमें एसीबी को अप्रोच किया कल, तो 15,000 रुपये की इन्होंने डिमांड की थी, तो कल जब वो आया इनसे बातचीत करने के लिए तो 2,000 रुपये और ले लिए इसने और कहा 5,000 रुपये शाम लेके शाम को आ जाना। तो आज 5,000 रुपये लेते हुए इनको हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वो फाइल जो है वो भी हमने जब्त कर ली है, उसमें इन्होंने ऑलरेडी 14 तारीख को एफआर दे रखी है, 14 मतलब अपना नवंबर को एफआर दे दी 3 दिन पहले, और परिवादी को बोल रहे थे कि मैं सीओ साहब से दूंगा और उनको भी करूंगा और ये भी है और इस तरह से जो है तेरे एफआर आदेश करवा दूंगा, क्योंकि एफआर उसमें ऑलरेडी 14 तारीख को लगी थी। इन्होंने सीओ साहब को देने के भी कही थी? हाँ, इन्होंने तो जो उसमें रिकॉर्डिंग में आया है उसके हिसाब से ये चीज़ें बताई है, तो इन्होंने 14 तारीख को ही उस पर आदेश ले रखे हैं और उसको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह से ये कार्रवाई हुई है, रिश्वत राशि इससे बराबर हो गई और डिटेल इंट्रोगेशन में रखा है। और लोगों के नाम से भी कोई राशि की मांग की गई कि भाई ये पैसा इतने लोगों में बटेगा ऐसा कुछ तरह की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने तो 15,000 रुपये चूँकि फाइल इसके पास के लिए मांगे थे, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में आया उसको बाद मैंने आपको बताई।